एक्सीडेंट में सामान आग में जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दे दिया तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्सीडेंट हो गया ना, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, गोदाम में रखा सामान जल गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? तो पहले सारे आइटम ट्रांसफर करते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस कहाँ आएगा इसमें मुझे बताना, एडजस्टमेंट है कि नहीं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट का ही सारा खेल है, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ेगी इसमें। इंश्योरेंस में है? यस सर, इंश्योरेंस में सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस सर 19,400। एडजस्टमेंट है कि नहीं? नहीं है। 19,400 जगह मुझे बचानी होगी। कैश बैंक टेलीग्राम में 800 नहीं है, ड्रॉइंग 6,000 नहीं है, ये 800। ड्रॉइंग का क्या करते हैं? माइनस कैपिटल, कैपिटल माइनस 6,000, ड्रॉइंग 6,000, प्लांट एंड मशीनरी इसमें है पर इसका कुछ नहीं किया था, पैसा किसका? प्लांट एंड ये दिया है, देखो कंफ्यूज करने के हिसाब से दिया है, देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा है? लिखा है नहीं, लिखा है 1,20,000 नीचे। अच्छा नीचे लिखा, और उसमें लिखा है 1 अप्रैल को खरीदा था 1,20,000 का है, और उसमें वृद्धि की मतलब एडिशनल प्लांट 1 अक्टूबर को लिया 5,000 का, 5,000 का प्लांट और हो गया तो ये हो गया 1,25,000 का। लेकिन इसमें डेट क्या है? 1 अक्टूबर, इसमें 1 अप्रैल, जब इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा ना तो इसमें 1 साल का लगेगा, इसमें 6 महीने का लगेगा। 15,000 का 1 अप्रैल, ये अलग है कि इसी में जुड़ा है ऐसा लग रहा है, ये एक ये अलग स्टॉक अलग है, ये प्लांट का है, प्लांट मशीनरी डबल डोर लगा है, उसके दो आइटम बैलेंस और एडिशन, इसको थोड़ा अंदर से लिखना चाहिए था ताकि इसका हिस्सा लगे, तो उसमें यही से लिखा है ना। अगला लिखो ओपनिंग स्टॉक, मान लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक लेते हैं पहले 15,000, फिर क्या है? परचेज 82,000। यानी सेल्स रिटर्न, अपन ने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, कितना? 2,000। डेटर 20,800, ध्यान देना डेटर 20,800, एडजस्टमेंट 800 एडजस्टमेंट होगा ही होगा इसमें। अगला फर्नीचर एंड फिटिंग 5,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 5,000 एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है, फ्राइट एंड ड्यूटी, फ्राइट एंड ड्यूटी 2,000 नहीं है, फ्राइट एंड ड्यूटी 2,000,
कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड है तो यहाँ आ जाएगा। कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है नहीं, रेंट रेट टैक्स इसमें होगा। लगा नहीं? लगा लगा हो गया तो नहीं होगा, एक आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 इसमें नहीं, अब इसमें नहीं लगा। अब आ जाओ इस तरफ, कैपिटल, कैपिटल 170000, 170000। क्रेडिटर 20000, क्रेडिटर 20000। सेल्स 120000, 120000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, हाँ 1200। अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें लगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400। इसमें एडजस्टमेंट, इसमें नहीं होगा, वो बैड डेट्स में इधर होगा। डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है, कितना है? 800। अगला देखो रेंट, अब देखो इसमें भी कंफ्यूज किया उसने। हाँ क्या लिखा, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस स्टेबल फॉर वन ईयर अप टू 30 सितंबर, यानी तुमको जो रेंट है ना वो मिला है, कितना मिला है? 12। और ये कब तक का है? 30 सितंबर तक का। और ये खाता कब बंद होता है? 31 मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का तुमको एडवांस मिला है, जो कि इसमें से माइनस होगा, ठीक है ना। अगली लाइन क्या है? खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में, लेंथी क्वेश्चन है ना ये, हाँ जी बस को लगाएंगे बस। देखो स्टॉक कितना लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक 24000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 24000। ध्यान देना एंड वॉज, एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एंड 250। स्टेशनरी जो थी तुम्हारी, देखो तुमने स्टेशनरी में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, इस पर टिक नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, ये मैंने यहाँ से मिटाया और मैंने यहाँ किया अनयूज्ड, अनयूज्ड मतलब प्रीपेड, कितनी? 200 है, 250 है ना। तो अब यहाँ एक नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा? अनयूज्ड माइनस हुआ है ना, एक का दो में, एक का तीन में जाता है, पर माइनस हो तो चार में जाता है। अगला पॉइंट देखो, डेटर पे कितना प्रोविजन बोल रहा है? 6%। और डेटर पे डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 2%। और डेटर पे बैड डेट्स कितना बोल रहा है? 800। अब देखो उल्टा लिखा है, पहले प्रोविजन लिखा, फिर डिस्काउंट लिखा, फिर बैड डेट्स लिखा, जबकि सीरियल क्या होता है? पहले होता है बैड डेट, फिर होता है प्रोविजन, फिर होता है डिस्काउंट, ठीक है ना। ये सीरियल नंबर होता है, इस तरह से माइनस होना चाहिए। अब उसने लिखा उल्टा है, तो अपन बाद में करेंगे, आगे के एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं। देखो चलो कर ही देते हैं, बैड डेट्स कितना है? बैड डेट्स 800। अभी कितना बचा? 20000। अब प्रोविजन कितना बोला है? प्रोविजन सर बोला है 6%। तो 20000 का 6% 1200। अब कितना बचेगा? 18800। अब डिस्काउंट कितना बोला है? 2%। तो 18800 का 2% कितना होगा? 188। कितना हो जाएगा? 16 17 370। अब ये तीनों आइटम कहाँ चले जाएंगे? टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन डेटर 800, 1200, 376। तीनों इधर आ गए। अगली लाइन जो क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन करना है। ध्यान से समझना इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। प्लांट एंड मशीनरी में यार लिख देता हूँ उसका वर्किंग नोट। प्लांट एंड मशीनरी 120000 का है, इसका 10% कितना होगा? 12000। और इस वाले का जो 5000 का है, 5000 का कितना बनेगा? 500। लेकिन लगेगा 6 महीने का, यानी 200
टोटल हुआ 12,000 200। यहाँ से माइनस होगा डेप्रिसिएशन 12,200। तो गलती यही करते हैं, पूरा 1,25,000 पे ठोक देंगे, तो वहाँ गलती हो जाएगी। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,200। अगला एडजस्टमेंट देखो, इंश्योरेंस तुमने 30 जून तक का दे दिया, अब इंश्योरेंस कितना लिखा है? जब 2400। ये है तुम्हारा मालूम कितने महीने का? 12 महीने। तो तुमने दिया कब तक का है? जून तक का। और देना कब तक का है? मार्च इज द एंड लाइन, अप्रैल मई जून, 3 महीने का तुमने एडवांस में दे दिया, तो 3 महीने का इसमें से माइनस हो जाएगा। ये इसमें नया एडजस्टमेंट है, 3 महीने का माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 से इधर किए तो कितना जाएगा? ये 12 बन जाए 12, 200 600 रुपये तुम्हारा एडवांस हो गया। 600 रुपये घटेगा तो कितना बचेगा? 1800। तो ये 600 रुपये प्रीपेड आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 600। अगला एडजस्टमेंट देखो, 25 मार्च को गोदाम में आग लग गई और 6000 का माल जल के नष्ट हो गया, ठीक है ना? 6000 का माल जल गया। तो जब माल जल जाएगा तो सबसे पहले माइनस होगा परचेस से, परचेस से माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस कितना? 6000 का माल जल गया। ध्यान से समझना, मैंने ये एडजस्टमेंट में समझाया था, हो सकता है याद ना हो। अब तुमको पैसा कितना मिला? पैसा 4000 कैश मिला। हाँ, 2000 तो कैश में प्लस कर दो या तो लिख दो इंश्योरेंस कंपनी से तुमको 4000 मिल गया। तो तुम्हारे नुकसान कितने का हुआ? 6000 का नुकसान हुआ था, 4000 मिल गया, 2000। तो तुम्हारे यहाँ लिखो एबनॉर्मल लॉस 2000 कहाँ से आया? 6000 माइनस 4000, ताकि याद रहे। अगला एडजस्टमेंट खत्म, चलिए फिर आंसर निकालिए। इसमें से ये माइनस होंगे दोनों, कितना बचेगा? 74,800। इसमें से 2000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1,18,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,42,000। 1,42,000 रुपये इधर की चीजें माइनस होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 50,200। ये 50,200 तुमने कब तक का दिया हुआ है? 30 सितंबर तक का, यानी 6 महीने का तुमने एडवांस दे रखा है। तो यहाँ से अनअक्रूड के नाम से माइनस हो जाएगा, 600 तो बचेगा 600। और ये अनअक्रूड कहाँ जाता है? अनअक्रूड रेंट। अब इधर का टोटल करेंगे और इधर के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट नेट प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 7,124। सारी वैल्यूज माइनस करो, ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5,550। ये माइनस हो गया, ये माइनस होकर सारी वैल्यूज बाहर आ गई। अभी ये तुमने 7,124 नकल मार के लिख दे रहा हूँ, टोटल मार के इसको करोगे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा तुम्हारा 1,91,724। अब वो तुमको प्लस माइनस करके बाहर करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करो क्या आएगा? 12,500 माइनस करोगे तो 750 या अगर 1,12,750। इसमें से ये माइनस करते हैं और नीचे रेंट को देखो, नीचे लिख देता हूँ कितने की थी? 5,000 और नीचे रेंट पर क्या वैल्यू आएगी? 4,9-7,2 7-3 4 8 1।
केवल एक नई चीज है जो इस पे ध्यान देनी है और एक ध्यान देना इधर, क्योंकि ये बीच में छिपा हुआ एडजस्टमेंट है, अलग से नहीं लिखा। ठीक, फोटो की चिट में डाल दो, आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि नया चालू करोगे तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि वो इससे भी बड़ा है।